इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। वीडियो जाता है तो एक अजीब व गरीब किस्म का कमेंट मैंने कल पढ़ा। बात यह है कि महंगाई की निशानदेही करने पर, बेरोज़गारी की निशानदेही करने पर एक साहब लिखते हैं कि जनाब ये एक एजेंडा है हुकूमत को या हमारे फाजिल वज़ीर आज़म को डिफेम करने का और लोगों को मिसलीड करने का। ज़ाहिर बात है कोई भी एंकर हो उसके दिल को दुख पहुँचेगा कि यार ऐसी बात कोई क्यों करे, जबकि मैं तो इमरान खान को बहुत पसंद भी करता हूँ और मैं तो टी वी के ऊपर कहता भी हूँ, वांगे दोहल कहता हूँ कि मैं उनको पसंद करता हूँ और उनको पसंद करता आ रहा हूँ। तो ज़ाहिर बात है दिल को एक दुख पहुँचता है। तो मैंने सोचा मैं पता करूँ, ऐसे ही जैसे एक बंदे को तजस्सुस होता है, मैंने क्लिक किया, देखा तो वो जो भी साहब थे, नाम नहीं लेता, लिव्स इन दुबई फ्रॉम कराची। मैंने दिल में सोचा कि इन्हीं लोगों ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाया है, इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचाया है, जो हमारे मुल्क में रहते तो नहीं हैं लेकिन हमारे जामिन होने का और हमारे नुमाइंदे होने का दावा करते हैं। सोशल मीडिया पर इनके नाम तो पाकिस्तानियों वाले ही हैं ना, हैं तो ये पाकिस्तानी ही। खैर उस मुल्क में खैर अपनी खूब ख्वारी करने के बाद भी इनको शहरियत तो मिलेगी नहीं, शहरियत तो जाकर इनको अमरीका, बरतानिया और दीगर और यूरोपीय ममालिक में ही मिलेगी जिनके खिलाफ ये एहतजाज करते हैं। सीधी जो बात है यार, बताओ कौन सा अरब मुल्क तुम्हें देता है शहरियत? कोई नहीं देता ना, देते वही हो हैं, वहां जाके अपना कनाडा में, यूएसए में, यूके में, यूरोपियाई ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया में जाके शरीयत लेते हो। गलत बोल रहा हूं क्या? लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आज वजीर आजम इमरान खान साहब आपसे मुखातिब होकर यह कहना चाहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की बातों में आकर, जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी एहतराम करता हूं, मैं इमरान खान का भी एहतराम करता हूं, लेकिन सर वो लोग जो हमारे साथ नहीं रहते, हमारे घर में नहीं रहते, वो हमारे घर के फैसले ना करें तो अच्छा है, बुरा ना माने भाई वो तमाम लोग। पैसे भेज देने से बाप अपने बाप होने की दावेदारी नहीं कर सकता, बाप को घर का चौकीदार भी बनना पड़ता है, औलाद से लेकर वालदैन का खिदमतगार भी बनना पड़ता है। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, वो हमारी कफालत में लगे हुए हैं, लेकिन यह मत भूलें कि घर के फैसले वही करेगा जो घर में रहेगा, भले जुल्फी बुखारी साहब को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वजीर हैं और वजीर आजम इमरान खान साहब के कान में जाके कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी को ये चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी को वो चाहिए, ओवरसीज पाकिस्तानी बरतानिया से बीमारी लाना चाहता है, ओवरसीज पाकिस्तानी को आने दो। तो सर ये बातें मैं नहीं करूंगा और ना मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं आपका सिंसियर आदमी हूं। अगर मेरे मां बाप मेरे सिंसियर ना होते और मुझे बचपन में ना डांटते जब मैं पढ़ता नहीं था तो आज सर इस मिंबर के ऊपर ना बैठा होता। वैसे बहुत सारे लोग अनपढ़ भी आ गए, लेकिन सर यह समझना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। यह तमाम ड्रामेबाज जो बेवजह आई लव आई के बर्गर पप्पू सारे लगे हुए ना सर आपकी रेस के अंदर, यह आपको कुछ नहीं देंगे, यह किसी के नहीं है। मैं आपको सच बोल रहा हूं वजीर आजम इमरान खान साहब, ये भूखा पाकिस्तानी जो टीवी देख रहा है, ये प्यासा पाकिस्तानी जो टीवी देख रहा है, ये आदमी जो सुबह शाम मेहनत करता है, इसने आपको वोट डाला है, ये आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। सर अमीर की मोहब्बत अच्छी नहीं होती सर, बुरा ना मानिएगा। ये लोग जो रिक्शा चला रहा है, ये जो बाइक पर जा रहा है, बीवी की खिदमत कर रहा है, झोरू का गुलाम, ये करेगा सर आपको वोट, ये डालेगा आपको, ये बच्ची बड़े होकर आपको वोट डालेगी, ये बस पर जाते लोग जिनको उम्मीद है आपसे ये वोट डालेंगे, ये बर्गर पप्पू चूचू चूचू बच्चे जो हैं ये आपको नहीं डालेंगे वोट, ये वोट वाले दिन घर पे बैठेंगे हम और जो है वो अम्मी की लिपस्टिक या नेल पॉलिश लेकर या निशान लगा के बोलेंगे आई वोटेड, ये नहीं देंगे आपको वोट। हां साहब ये गरीब देगा, मुफलिस देगा, ये देगा आपको वोट, ये सिंसियर रहेगा आपके साथ, इनके लिए काम करो, इनके लिए खिदमत करो, इनकी खिदमत करो, आप हुक्मरान हो।
इनको तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान में जो हंगामे हो रहे हैं, पाकिस्तान में आपको पता है कि इस्लाम के नाम पर मौलानाओं ने, इस्लाम उस मौलाना के फॉलोअर ने इस तरीके का हंगामा मचाया है कि पूरे जो पाकिस्तान के ट्रैफिक हैं वो जाम हो गए। पाकिस्तान में अभी नेट इंटरनेट पर बैन लगा हुआ है। बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप और यहाँ तक कि टेलीग्राम, ट्विटर पर भी बैन लगाया है। जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर इंटरनेट बंद किया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में सिचुएशन कितनी ख़राब है। और इमरान खान गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिए हैं कि इस आंदोलन को लेकर ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई खबर दी जाएगी ना तो प्रिंट मीडिया में, मतलब इसमें बिल्कुल भी कोई हाइप ना दी जाए। और जो भी पुलिस वाले पिटे हैं अब वो एक्शन लेंगे इन प्रोटेस्टर पर, तो उसे ना दिखाया जाए, मतलब पीटेंगे इन प्रोटेस्टर पर। आपको पता है दोस्तों ये बेसिकली आंदोलन तो हो रहा है फ्रांस के खिलाफ। फ्रांस में एक जो कार्टून बनाया गया था जिसके बाद से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में तीनों जगह ज़बरदस्त प्रदर्शन हुए थे। हालांकि ये प्रदर्शन तो होने चाहिए बेसिकली सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में जहां से इस्लाम स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको लीड किया गया यहां के बेसिकली तीन देशों में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, आपको भी पता है। तो पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें मेन मुद्दा उनका ये है कि जो फ्रांस के राजदूत हैं उन्हें निकाला जाए किसी भी हालत में। आपको बता दें कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने वैसे भी बोल दिया है कि हम अपने जो मतलब फ्रांस के लोग जो पाकिस्तान में उन्हें जल्द से जल्द निकाल लेंगे टेम्परेरी बेसिस पर, मतलब वो पहले से ही इस घटना से अवगत हैं और वो चाहते हैं कि वो इनको निकाल लें। तो दोस्तों आपको भी पता है सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, अगर फ्रांस पर कुछ अटैक वगैरह होता है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या हालत होगी, क्योंकि फ्रांस है यूरोपियन यूनियन का सदस्य और पाकिस्तान के लोग बहुत सारे यूरोप में रहते हैं, फ्रांस में यहाँ तक कि पाकिस्तान के 100,000 लोग रहते हैं। तो आप समझ सकते हो दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट दोनों तरह से बुरी तरह से फंसी हुई है। अब फ्रांस की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट में से भी फंसी हुई है। अब देखना होगा आगे होता है क्या। तो गाइज इस एक्टिविटीज़ पर कोई भी आगे वीडियो आएगा आपको इसी चैनल पर मिलेगा। हालांकि ये जो वीडियो है आपने देखा इस एंकर को, इस तरीके के पॉजिटिव वीडियो पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम आते हैं जो सच बोलते हैं। आपको भी पता है कि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, पाकिस्तान में इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि इस पर कोई भी लोग कमेंट करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन इस दिलेर एंकर ने बड़ी आसानी से बोल दिया कि ऐसे प्रोटेस्ट सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री में क्यों नहीं हो रहे, आंसर मतलब चाहिए। इसने बड़े आसान शब्दों में बोल दिया। और जो पाकिस्तान के लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे और पाकिस्तान के लोग ऐसे मतलब ऐसे प्रोटेस्ट करने के बाद वहाँ की नागरिकता भी लेंगे, मतलब पश्चिमी देशों की बात कर रहा हूँ मैं, सऊदी अरब में तो नागरिकता मिलती नहीं है, आपको भी पता है। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है एंड। आपको इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।